नमस्कार, मैं हूं पुनीत सिंह। आप देख रहे हैं देश का पहला इंटरेक्टिव मोबाइल न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में, जिनमें इनक्रेडिबल 2, ओशियन 8 और जाट वर्सेस ILTS की कैसी है ये फिल्में और क्यों देखें इस फिल्म को। अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली इनक्रेडिबल 2 की। इनक्रेडिबल को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और खास तौर पे अगर इंडिया में बात की, इस फिल्म की बात की जाए, तो शाहरुख खान की जो आवाज़ थी इस फिल्म में उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और खास तौर पे बच्चों के लिए ये फिल्म एक बहुत अच्छा सरप्राइज साबित हुई थी। बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी इस फिल्म को देखने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और इसके बाद अब इनक्रेडिबल 2 रिलीज़ हो रही है। किरदारों में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक फिर से हिंदी बॉलीवुड सुपरस्टार की बात करी जाए, तो कोई एक बड़ा नाम अगर जोड़ने की बात की जाए, तो इस बार इस फिल्म में काजोल ने डबिंग की है। कुछ दिन पहले ही काजोल इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में भी पहुंची थी और काजोल ने निकलने के बाद ये कहा था कि जैसा वो उम्मीद कर रही थी वैसी ही डबिंग होकर जो पूरा रिजल्ट सामने आया है उनको वो देखने को मिल रहा है। तो इस बार अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें, तो फिल्म की कहानी इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से गलत तरीके से सुपर हीरोज की एक जो पूरी इमेज होती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो इनक्रेडिबल 2 में जो पूरी फाइट है, जो लड़ाई है, इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई है कि सुपर हीरोज को की जो गलत रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की जाती है उसको किस तरह से नाकाम किया जाता है, वो जो पूरी फाइट है उसको इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। लोगों में इनक्रेडिबल 2 को देखने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपने इनक्रेडिबल 1 देखी है तो उसके बाद ही 2 देखने का जो पूरा सीक्वेंस है तभी आप समझ पाएंगे। अगर इनक्रेडिबल 2 का जो पहला सीक्वल है वो अगर आपने नहीं देखा तो इस फिल्म से आप रिलेट जल्दी नहीं हो पाएंगे। और अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म ओशियन 8 के बारे में कि डेबी ओशियन, जो कि डेनी ओशियन की छोटी बहन है, और जेल से पैरोल पर छूटने के बाद किस तरह से अपनी टीम को इकट्ठी करते हैं और वो टीम को इकट्ठा करने के बाद खासतौर पे जो उनका क्राइम पार्टनर साथी है उसको किस तरह से ढूंढने की कोशिश करती है। यहाँ पर खासतौर पर डेबी एंड लियू की जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करेगी। और खासतौर पर यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक कंप्यूटर हैकर वाला पूरा जो एक सीन है तौर पे वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल क्रिएट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस फिल्म की बात करी जाए तो ये फिल्म इससे पहले भी इसकी सीरीज लगातार आ चुकी है। ओशियन 8 आप इस वक्त पर्दे इस शुक्रवार पर्दे पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ओशियन 11, 12 और 13 पहले ही बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि लोगों को पहले से ही इस फिल्म के आगे का दिखा दिया गया और ओशियन 8 में किस तरह से जो सस्पेंस और किस तरह से ये पूरी जो प्लानिंग इनिशिएट की जाती है उसमें कितनी कारगर साबित हो पाती हैं डेनी। और खासतौर पे अगर ओशियन 8 की बात करें तो ओशियन 8 में खासतौर पे दिखाया गया है किस तरह से जेल से निकलने के बाद ये पूरी एक कहानी रची जाती है डेबी ओशियन के द्वारा। और अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो फिल्म की कास्ट में सैंड्रा बुलॉक, केट ब्लैंचेट, एनिंग हैथवे, माइंड क्रैलिंग, सारा पॉल्सन और रिहाना खासतौर पे एक अहम भूमिका में नजर आएंगे। और लोगों में ओशियन 8 को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आगे के सीक्वल पहले से ही लोगों को दिखा दिए जाए या उन पर फिल्म बन चुकी हो और उसके बाद उसके पहले की जो प्रीक्वल है वो दिखाया जाए, तो ये लोगों में एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इनक्रेडिबल 2 ओशियन 8 पर बॉक्स ऑफिस पर लोगों में एक्साइटमेंट को लेकर भारी दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज होने वाली जट वर्सेस ILTS की। जट वर्सेस ILTS एक बहुत ही कॉमेडी फिल्म है और खास तौर पे पंजाबी, जिन लोगों को पसंद है पंजाबी फिल्में देखना, जिन्हें पसंद है वो इस फिल्म को मिस करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ सकते। इस फिल्म की कहानी जसविंदर नाम के एक आदमी की कहानी है, जो कि पंजाब का रहने वाला है और कनाडा जाने का सपना देखता है, जिसको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, और किस तरह से वो ILTS का एग्जाम क्रॉस करता है, उसके लिए क्या क्या गूफअप्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी का जो रॉइड्स है वो इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी मसाला बहुत ज़्यादा है इस फिल्म में। और खास तौर पे यहाँ पर अगर बात की जाए स्टार कास्ट की, तो फिल्म में जो जसविंदर का किरदार, जो कि सब इस फिल्म का अहम किरदार है, जो कि कनाडा जाने की जद्दोजहद में लगा रहता है और अंग्रेजी का उसे बिल्कुल भी ए से लेकर जेड तक कोई भी शब्द से वाकिफ नहीं होता है, और किस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है और उस चक्कर में खुद भी बेवकूफ़ बनता है। इस फिल्म में जो जसविंदर का किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पर ये दिखाया गया है कि किस तरह से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि उसे अंग्रेजी
इसलिए आती है क्योंकि कनाडा जाने के लिए IELTS का जो एग्जाम है उसको पास करना होता है, तो वो लोगों को लगातार बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, जिसमें बहुत सारी कॉमेडी है। और खास तौर पे ह्यूमर की अगर बात करी जाए तो पंजाबी फिल्मों में जिस तरह की कॉमेडी अक्सर देखी जाती है उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है। और जसविंदर का जो किरदार है वो कॉमेडियन गुरप्रीत गुग्गी निभा रहे हैं, जो कि कॉमेडी के बेताज बादशाह। उन्हें हिंदी फिल्मों में भी अक्सर अक्षय कुमार के साथ उन्हें आप हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं, और स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो उनकी जो टाइमिंग है और किस तरह से पंचेस हैं वो लोगों को इंप्रेस करते जरूर नजर आएंगे। अगर आप पंजाबी फिल्मों के फैन हैं तो ये फिल्म आप किसी भी चांस पर मिस नहीं कर सकते। हमारे इस खास प्रोग्राम अमर उजाला द प्रीव्यू में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई फिल्मों के प्रीव्यू के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए अमर उजाला TV।